हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ मैथमेटिक्स का क्लास ट्वेल्थ का एक टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, और इस टॉपिक से 6 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आता है। और बहुत सारे बच्चों को, लगभग 80% बच्चों को ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है और वो इसको स्किप करने की कोशिश करते हैं कि स्किप कर देंगे इसको एग्ज़ाम में, लेकिन नहीं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से इस टॉपिक को सक्सेसफुली सॉल्व करना है आपको, और एग्ज़ाम में जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स आपके पूरे पूरे मिल जाएंगे। चलो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है, और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को निकालने के लिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी लंबा तो होता है। जब 3x3 का मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं तो ये काफ़ी लंबा होता है, लेकिन हमें इसको स्किप नहीं करना है। मैथ वाले बच्चे को हार नहीं माननी है, मैथ वाले बच्चों को बिल्कुल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उससे हार नहीं माननी है। अगर आप मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं तो ये बात ध्यान में रखिए, बी पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप मैथ के कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। तो आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, और ये 2x2 का मैट्रिक्स हो तो बहुत ही ईजी होता है, जल्दी सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर यही मैट्रिक्स यह 3x3 ऑर्डर का होगा तो बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। लेकिन परेशानी से घबराना नहीं है, अपने सॉल्यूशन को कंटिन्यू करना है और पॉजिटिव रहना है, आंसर 100% आ जाएगा। किसी बच्चे का आंसर देरी में निकलता है घूम फिर के, लेकिन आना आंसर ज़रूर है। तो चलो देखते हैं कैसे होगा सॉल्व ये प्रॉब्लम। सबसे पहली बात, कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं आप, रो ऑपरेशन भी कर सकते हैं, कॉलम ऑपरेशन भी कर सकते हैं, बात सेम है, बराबर बात। a इक्वल्स टू आई ए, जब हम रो ऑपरेशन करते हैं तो a इक्वल्स टू आई ए लेते हैं। a मीन्स द मैट्रिक्स विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, 2 0 -1 5 1 0 0 1 3, ओके। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ रखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ओके, एंड देन ए मैट्रिक्स। इसमें ये ए मैट्रिक्स ए ही रहेगा, यहाँ से इनवर्स निकल कर आएगा। अब क्या करना है हमें, ये वाला मैट्रिक्स जो है इसको बनाना है आइडेंटिटी, ऑपरेशन कर करके आइडेंटिटी इसको बनाना है, और जो ऑपरेशन यहाँ करेंगे वही ऑपरेशन यहाँ करेंगे, और जब ये आइडेंटिटी बन जाएगा ये वाला मैट्रिक्स, तो ये वाला मैट्रिक्स हमारा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा। तो चलो देखते हैं कैसे होता है। अब यहाँ देखो, हर एक रो में एक ज़ीरो बन रही है, इस रो में ये ज़ीरो, इस रो में ये ज़ीरो, एक रो में, थर्ड रो में ये ज़ीरो। अब क्या करेंगे, इसमें हमें ऑपरेशन करना है इस तरह से कि एक एक करके सब ज़ीरो बनती चली जाएं। तो सबसे पहले मैं ऑपरेशन कर लेता हूँ, यहाँ पे मुझे कितना बनाना है, यहाँ पे मुझे 1 बनाना है, तो R3 में चेंज, क्योंकि जो आइडेंटिटी होता है वो होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यहाँ पे 1 चाहिए मुझे, तो R3 में चेंज कर लेता हूँ, R3 + 2R1, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे तो यहाँ 1 बन जाएगा। तो क्या बन, हम कर देंगे R1 सेम रहेगा क्योंकि R3 में चेंज किस में आ रहा है, R3 में, R2 भी सेम रहेगा, R3 में चेंज करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, 4 में 0 प्लस करेंगे 4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 का 0 प्लस करेंगे सेम 1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 हो जाएगा, प्लस करेंगे तो 1, ओके। नंबर छोटे करने हैं, R1 सेम, R2 सेम, R3 में यही ऑपरेशन करना है, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करा इसमें जोड़ा 2, 2 से मल्टीप्लाई करा इसमें जोड़ा 0, 2 से मल्टीप्लाई करा इसमें जोड़ा 1, ओके, समझ आ गया। अब क्या करना है, 1 बन चुका है, अब यहाँ 0 बन सकता है आराम से, क्योंकि R1 प्लस कर देंगे R3, रो 1 में रो 3 को प्लस कर देंगे, R1 में चेंज कर रहे हैं इस बार, R1 प्लस R3, तो क्या होगा, R1 प्लस R3 कर लो 6,
आर वन प्लस आर थ्री कर लो वन, आर वन प्लस आर थ्री कर लो ज़ीरो, और बाकी सेम रहेगा फाइव वन ज़ीरो फोर वन वन। ओके यहाँ भी करो सेम ऑपरेशन, आर वन प्लस आर थ्री करो थ्री, आर वन प्लस आर थ्री करो ज़ीरो, आर वन प्लस आर थ्री करो वन, आर टू सेम रहेगा और आर थ्री भी सेम रहेगा, इस तरह से करना है। ठीक है, अब क्या करें, हमें चाहिए यहाँ पे ज़ीरो, तो क्या करें इसमें से माइनस कर लें, आर वन माइनस आर टू, आर वन में चेंज आर वन माइनस आर टू। ओके तो क्या हो जाएगा, आर वन माइनस आर टू करा वन, आर वन माइनस आर टू करा ज़ीरो, आर वन माइनस आर टू करा ज़ीरो। अब ये आर टू सेम रहेगा क्योंकि चेंज आर वन में हुआ है। ओके और यहाँ पर भी आर वन माइनस आर टू करो, आर वन माइनस आर टू थ्री, आर वन माइनस आर टू माइनस वन, आर वन माइनस आर टू वन, ज़ीरो वन ज़ीरो टू ज़ीरो वन। ओके अब कोई ऐसा ऑपरेशन करो कि यहाँ ज़ीरो बन जाए, हम कर लेते हैं आर थ्री में चेंज, आर थ्री में चेंज आर थ्री माइनस आर टू, आर वन सेम आर टू सेम आर थ्री में चेंज, आर थ्री माइनस आर टू तो क्या हो जाएगा माइनस वन ज़ीरो वन। ओके आर थ्री में चेंज है तो यहाँ भी आर वन सेम रहेगा, यहाँ भी और यहाँ पर माइनस करो, आर थ्री माइनस आर टू टू माइनस वन वन। ओके अब क्या करें, हमें अब यहाँ ज़ीरो चाहिए, अब यहाँ ज़ीरो कैसे होगी, बिना किसी ज़ीरो को हटाए, बिना किसी ज़ीरो को छेड़े और ज़ीरो बनाते जानी हमें, तो यहाँ पर आर थ्री में अगर हम आर वन की रो प्लस कर दें तो बिना ज़ीरो हटे यहाँ एक और ज़ीरो बन जाएगी, आर थ्री में चेंज हो रहा है आर थ्री प्लस आर वन क्या हो जाएगा वन ज़ीरो ज़ीरो फाइव वन ज़ीरो। अब यहाँ इसमें ये प्लस करो ज़ीरो हो गई, इसमें ये प्लस करो ज़ीरो है, इसमें प्लस करो वन है। ठीक है यहाँ भी आर वन सेम आर टू सेम आर थ्री प्लस आर वन, आर थ्री प्लस आर वन फाइव, आर थ्री प्लस आर वन माइनस टू, आर थ्री प्लस आर वन टू। ओके ये अब क्या करें, वन ज़ीरो 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 वन ज़ीरो करना है, ज़ीरो करना है यहाँ पर, तो क्या करें फाइव से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर लें, तो यानी चेंज कर रहे हैं आर टू में, आर टू माइनस फाइव आर वन। ओके क्या हो जाएगा, आर वन सेम आर टू में फाइव से मल्टीप्लाई करा माइनस करा ज़ीरो, फाइव से मल्टीप्लाई करा माइनस करा, इधर क्या हो जाएगा वन का वन ही रहेगा, फाइव से मल्टीप्लाई करा ज़ीरो का ज़ीरो रहेगा, ज़ीरो ज़ीरो वन। ठीक है अब सेम यहाँ करो, आर टू में चेंज है तो आर वन सेम, फाइव से मल्टीप्लाई करा इसमें से माइनस कर दो, फाइव से मल्टीप्लाई फिफ्टीन माइनस का फिफ्टीन हो गया, फाइव से मल्टीप्लाई करा माइनस का फाइव इसमें से माइनस करा सिक्स हो गया, फाइव से मल्टीप्लाई करके माइनस करा तो यहाँ हो गया माइनस का फाइव, फाइव माइनस टू और टू। ओके तो ये समझ आ गया, हमने बना दिया है इसको आइडेंटिटी, वन ज़ीरो 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 वन ज़ीरो 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 वन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है ये। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने के बाद जो ये वाला मैट्रिक्स निकल कर आया है ये क्या आया हमारा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स था हमारा ए और ये वाला निकल कर आया हमारा ए इनवर्स। तो फाइनली हमारा ए इनवर्स क्या आ गया, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स थ्री माइनस वन वन माइनस फिफ्टीन सिक्स माइनस फाइव, फाइव माइनस टू और टू। ओके दिस इज़ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, और ऐसे ही सॉल्व करना है, मतलब एक एक करके ज़ीरो बनाते जाना है। आपको ये वीडियो ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा और आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए और आप अपने छः नंबर
पक्के कीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।